रात को 12 बजे की और दिन में 6 बज जाते हैं। कंट्रोल करना पड़ता है सिल्क। कल अगर कोई देख लेता तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मेरा कुछ नहीं बचता। कौन सा घोड़ा खेला? जीतने वाला। है जीतने वाला घोड़ा तो मैं हूं। राधिका ब्लडी हेल, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। ड्रेस ड्रेस तुम्हारा। हाँ आ रहा हूं। गोइंग विद यू। गोइंग सूर्या। या जस्ट कमिंग जस्ट कमिंग। क्या कर रहे थे तुम? तुम कब आई? कब आई मतलब अभी आ गई ना। पार्टी बड़ी बोरिंग चल रही थी, सर में दर्द हो रहा, सोचा जाके लेट। सीधी तो वो खुद नहीं थी, फिर उसकी जिंदगी सीधी कैसी चल सकती थी? कितनों के दिल तोड़े, उसके दिल की बारी आज थी। गलत कहते हैं लोग कि सिर्फ दिल टूटता है, बॉडी का हर पार्ट मातम मनाता है, गला सूख जाता है और गाल गीले रहते हैं, आंखें भरी रहती हैं और दिल खाली। मुझे सिल्क की इस हार की न्यूज बहुत देर से मिली, वरना सेलिब्रेशन तो बनती थी। सुनिए, आप ठीक है ना? मैं ठीक क्यों नहीं होंगी? टैक्सी मंगवाऊं? तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है क्या? आप मेरे साथ चलेंगी? सुनिए, एक मिनट प्लीज। डरो मत, कर लो। क्या तुम पहले आदमी नहीं हो जो ये सोच रहे हो कि गियर डालते वक्त किसी तरह हाथ लग जाए इधर उधर? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। सूर्यकांत के यहाँ काम करते हो? भाई हूँ। सूर्यकांत रमाकांत, भाई भाई। तुमने उसकी बीवी को अंदर जाते हुए देखा? हाँ। तभी आइडिया लगा लिया होगा कि परमानेंट वाली अंदर गई तो अब मैं बाहर निकलूंगी। आप हमेशा उल्टा क्यों सोचती हैं? क्योंकि ये दुनिया सीधे लोगों की नहीं है। करते क्या हो? राइटर हूं, लिखता हूं। आखिरी फिल्म कौन सी थी? अभी पहली मिली नहीं। मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही हीरो है और वो है सूर्यकांत। आपके हिसाब से वो कौन है, हीरो या विलेन? मैंने हिसाब लगाना और रखना छोड़ दिया है। और वैसे भी हीरो हो या विलेन, हर कहानी की वैम मैं हूं। मुझे घर जाना है, ले जाओगे? हाँ।
वो खिड़की देख रहे हो? मैं अपनी शादी की एक रात पहले उसी खिड़की से भाग आई थी। तुम अंदर नहीं जाओगी? को अवार्ड देना चाहता हूं जिसने सिल्क को अवार्ड देने का सोचा। ये तो घटिया है ही, इसे अवार्ड देने वाले उससे भी ज्यादा घटिया है। लेकिन भाई साहब, आप है कौन? इब्राहिम, डायरेक्टर। बहुत दिनों बाद दिखाई दी। थोड़ी समझ आ गई है, कहां देखूं कहां नहीं। बड़ी जल्दी पर निकल आए तुम्हारे, तुम्हारी जैसी बहुत सी आई और चली गई। मैं जाने के लिए नहीं आई हूं। देखो, मैं ऊपर हूं और सब नीचे। तुम्हें क्या लगता है जो नीचे हैं वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? वो हंस रहे हैं तुम पे। वो सब जानते हैं तुम हम में से नहीं हो। तुम हमारी रातों का वो राज हो जिसे दिन में कोई नहीं खोलता। यू आर आर डर्टी सीक्रेट। अरे थैंक यू तो बोलती जाओ। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। शुरू से शुरू करूंगी तो मां बुरा मान जाएगी। आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाओगे, क्योंकि आज मैं रुकने वाली हूं नहीं। सबकी दाएं तरफ की आंख फड़क रही है और बाएं तरफ से दिल की मैं क्या बोलने वाली हूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहां इस चींटी को पहाड़ पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। वाल्गर, घटिया, डर्टी, क्या क्या बोला मेरे बारे में। अपनी फिल्म को टेक ऑफ करवाने के लिए मुझे बोर्डिंग पास की तरह यूज किया। फिर भी वाल्गर मैं हूं। डांस करवाया आपने, मगर न किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन। सब कुछ और ही देख रहे थे। और घटिया मैं हूं, फैमिली के साथ मेरी फिल्म्स देख नहीं सकते, पर छुप छुप के देखकर धड़ाके से ते जा रहे हैं। पर डरो मत, मैं जा रही हूं, क्योंकि मेरे अलावा सब शरीफ है यहां। वैसे आप लोगों के शराफत का भी जवाब नहीं, पर फिल्म्स बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, देखते भी हैं, दिखाते भी हैं, अवार्ड भी देते हैं, पर अपनाने से डरते हैं। ना आप बदलोगे ना मैं। आप इसी तरह अपने शराफत का चूल्हा पहने रहिए और मैं उतारती जाऊंगी। मैं अपने पिक्चर्स बनाती जाऊंगी और लोगों को अपनी पिक्चर्स दिखाती जाऊं।
कौन हो तुम? नायला। ओ, तो वो तुम ही हो जो मेरे बारे में बुरा बुरा लिखती हो। बुरा तो तब होगा जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दूंगी। मतलब? मतलब ये है कि आज जो तुम कर रही हो ना, वो बगावत है। सालों बाद लोग उसे आजादी कहेंगे। मैं समझी नहीं। बस ऐसे ही रहना, आंधी की तरह। ज्यादा सोचना मत, ज्यादा सोचोगी तो हवा हो जाओगी। मैं सिल्क हूं, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाऊं।